नमस्कार। सर्वप्रथम आज इस मंच के माध्यम से उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों को हम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहां उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक महोदय, अन्य अधिकारीगण एवं विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारे शिक्षक साथी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हमारे सभी साथी और जितने भी अतिथि हैं उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं के चरणों में अर्पित है गुरु वंदना शासकीय जे आर दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा। Thank you.
प्रमुखता बताने वाले इस सुमधुर गीत की प्रस्तुति के लिए बालिकाओं का और निर्देशन करने वाले गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है अतिथियों के स्वागत का। माननीय राज्यपाल महोदया जी के वस्त्र पट्टिका एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत के लिए मैं क्रमशः अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वस्त्र पट्टिका एवं पुष्प गुच्छ से करने के लिए मैं क्रमशः आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, सचिव स्कूल शिक्षा। माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे संचालक लोक शिक्षण। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे संचालक लोक शिक्षण। माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे संचालक लोक शिक्षण। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को, कि वे हमें अपने अभिभाषण से अनुग्रहित करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव भारतीदासन जी, संचालक स्कूल शिक्षा सुनील जैन जी, संचालक एससीआर की राजेश राणा जी, सभी साथियों, नरेंद्र दुग्गा जी, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनकी याद में आज का दिवस ये मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित कर दिया, उनके चरण कमलों में मैं अपना नमन और वंदन प्रस्तुत करता हूँ। और इसके अलावा उसके बाद जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो आज इस कक्ष में विराजमान हैं, दरबार हॉल में विराजमान हैं, और जो बाहर हैं, जो नहीं हैं, यहाँ पे नहीं आ सके, अपने अपने स्कूलों में हैं, उन सभी का मैं वंदन और नमन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबके लिए है, क्योंकि आज हम उनको नमन करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं जो हमारे देश का भविष्य गढ़ते हैं। आप सब लोगों ने जितनी मेहनत की है, आज आपकी यहाँ उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप लोग जी जान लगाकर अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनकी प्रेरणा आप बन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई आज का ये पुरस्कार मिलने के लिए भी, और जो उससे भी ज़्यादा जो आप दिल लगाकर काम कर रहे हैं बच्चों के हित के लिए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आज इस अवसर पे एक बात का और जिक्र करना चाहता हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया है, लगातार एक के बाद एक इतनी अच्छी योजनाएं शिक्षा से संबंधित छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनके मार्ग गर्व से लिया जा रहा है। आप स्वामी आत्मानंद स्कूलों की योजना से परिचित ही हैं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इतनी लोकप्रिय योजना है कि इन स्कूलों में भर्ती के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मन को समझते हुए विभाग ने और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के निर्देश और आदेश पर हम सब लोगों ने बहुत कम समय में इन स्कूलों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। 51 स्कूलों से प्रारंभ करके आज 279 स्कूलों तक हम पहुंच गए हैं और बहुत शीघ्र हम लोग 422 नए और स्कूल इसमें प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजी माध्यम और आधुनिकता की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कदम और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया। जब 3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षा की नवीन क्रांति की शुरुआत हुई और वो ये हुआ कि हम मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकें, तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी भाषा बोलियाँ बोली जाती हैं। SCERT ने प्रयास करके कक्षा 1 और कक्षा 2 की ऐसी पुस्तकें तैयार की हैं जिसमें कि एक ओर देवनागरी भाषा में हिंदी लिखी हुई है और दूसरी ओर आदिवासी भाषा बोलियां लिखी हुई हैं। ऐसी 16 आदिवासी भाषा बोलियां और 4 ऐसी भाषाएं जो अन्य प्रदेशों की भाषाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के नज़दीक हैं, जिसमें उड़िया, मराठी, बंगाली और तेलुगु, ये भाषाएं शामिल हैं। इसमें बच्चों को कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई हम लोगों ने प्रारंभ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी घोषणा की है। हम सब देखते हैं, अखबारों में छपता है कि स्कूल भवन बड़ी खराब हालत में है, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं छत अच्छी नहीं है, ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी। अभी थोड़े देर पहले एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 500 करोड़ की राशि इन स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए दी जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और हम लोग सब मिलजुल के आपके साथ प्रयास करेंगे कि हम आने वाले बारिश के पहले इस काम को पूरा कर सकें ताकि हमारे स्कूल भवन अच्छे से अच्छे हों। तो सब दूर एक शिक्षा की अलख जग रही है, ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो आगे काम बढ़ रहा है शिक्षा में, उस सब में आपका सहयोग है। कोरोना के समय जब लंबे समय तक स्कूल बंद थे, आपने पढ़े घर द्वार के कार्यक्रम में ऑनलाइन कक्षाएं भी लगाई, आपने लाउड स्पीकर स्कूल, मोहल्ला क्लास, मोटरसाइकिल स्कूल और न जाने क्या क्या, इतनी सारी इनोवेशन, इतने नवाचार किए कि छत्तीसगढ़ का नाम विश्व के पटल पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होता चला जा रहा है। मैं और बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, आप इस कार्यक्रम में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पर एक बार फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल महोदया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा को फोकस करके देश के भविष्य को गढ़ने में जो इतनी बड़ी इतना बड़ा कार्यक्रम कार्य शुरू किया है, इतनी बड़ी क्रांति प्रारंभ की है, हम सब लोग ऐसे आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा से। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को कि वे आशीर्वचन करें। हम सबके संरक्षक राज्यपाल परमानंद सुचरिया सूर्यवती जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर शुक्ला जी, सचिव डॉक्टर भारती जी, संचालक लोक शिक्षण, संचालक SRT, संचालक समग्र शिक्षा,
शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित समस्त शिक्षक बंधुओं, आप सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2022 हेतु जो चयनित शिक्षक हैं उनका नाम मैं प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्णपाल राणा शिक्षक रेलवे कांकेर, श्रीमती रुक्मणी साहू शिक्षक कांकेर, श्री देवेंद्र कुमार देवांगन सहायक शिक्षक नारायणपुर, श्रीमती ब्रजेश्वरी रावटे प्रधान पाठक नारायणपुर, महेश कुमार सेठिया शिक्षक जगदलपुर, श्री रमेश कुमार उपाध्याय व्याख्याता जगदलपुर, श्री खेमलाल सिन्हा सहायक शिक्षक दंतेवाड़ा, श्रीमती उषा भुआरी शिक्षक दंतेवाड़ा, श्री श्रवण कुमार यादव सहायक शिक्षक बालोर, श्रीमती पुष्पलता साहू सहायक शिक्षक बालोर, श्री तुलेश्वर कुमार सेन सहायक शिक्षक राजनांदगांव, श्री पारुल चतुर्वेदी शिक्षक राजनांदगांव, श्री वसंत कुमार पटेल प्रधान पाठक दुर्ग, सुश्री की शारदा शिक्षक दुर्ग, श्रीमती यक्ष चंद्राकर शिक्षक कबीरधाम, श्री शिव कुमार बंजारे प्रधान पाठक कबीरधाम, श्रीमती ज्योति बनापर शिक्षक बेमित्रा, श्रीमती सुषमा शुक्ला शर्मा व्याख्याता बेमित्रा, श्री अमित कुमार प्रधान व्याख्याता महासमुंद, श्री दोलामणि साहू सहायक शिक्षक महासमुंद, श्री संतोष कुमार तारक सहायक शिक्षक गरियाबंद, श्रीमती लताबेन मुगरे सहायक शिक्षक गरियाबंद, श्री उत्तम कुमार देवांगन सहायक शिक्षक रायपुर, डॉक्टर श्रीमती गोपा शर्मा सहायक शिक्षक रायपुर, श्री राजू राम साहू व्याख्याता धमतरी, श्री दीन बंधु सिन्हा सहायक शिक्षक धमतरी, श्री विनोद कुमार डंथेना सहायक शिक्षक बलौदा बाजार भाटापारा, श्रीमती आशा साहू प्रधान पाठक बलौदा बाजार भाटापारा, श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी सहायक शिक्षक जांजगीर चांपा, श्री अनुराग तिवारी व्याख्याता जांजगीर चांपा, श्री भोजराम पटेल व्याख्याता रायगढ़, श्री संतोष कुमार पटेल सहायक शिक्षक रायगढ़, श्री सुनील कुमार पटेल व्याख्याता बिलासपुर, श्री रामधन पटेल सहायक शिक्षक बिलासपुर, श्रीमती अदिति शर्मा सहायक शिक्षक वरला पिंडरा मरवाही, श्री विष्णु प्रसाद त्रिपाठी सहायक शिक्षक वरला पिंडरा मरवाही, श्री गोकुल प्रसाद मार्बल सहायक शिक्षक कोरबा, श्री मुकुंद केशव उपाध्याय शिक्षक कोरबा, श्री पुष्पेंद्र कुमार कौशिक सहायक शिक्षक शक्ति, श्रीमती मीरा देवांगन सहायक शिक्षक शक्ति, श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा सहायक शिक्षक कोरिया, डॉक्टर विनोद पांडे व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य कोरिया, श्रीमती निशा सिंह व्याख्याता सूरजपुर, श्री दिनेश कुमार साहू सहायक शिक्षक सूरजपुर, श्रीमती अनामिका चक्रवर्ती व्याख्याता सरगुजा, श्री अंचल कुमार सिन्हा व्याख्याता सरगुजा, श्री बाबूलाल दहरे प्राचार्य बलरामपुर, श्री रमेश कुमार साकेत सहायक शिक्षक बलरामपुर, इनको बधाई। आदरणीय साथियों, भारत देश विभिन्न सांस्कृतिक और परंपराओं का ओतप्रोत है, जहां गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है। सभी धर्मों में गुरु से इस परंपरा को का महत्व दिया गया है। भारत में ज्ञान और शिक्षा आदिकाल से ऋषि मुनियों की और संतों द्वारा दी गई परंपरा पर आधारित है, और उसी संस्कृति और परंपरा को संजोने और सहने का प्रयास वर्तमान में हो रहा है। भारत के इतिहास में 5 सितंबर का दिन विशेष रूप से शिक्षकों और गुरुजनों को समर्पित है। यह हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, जिन्हें पूरे भारत में
शिक्षकों के सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस में के रूप में उनके जन्मदिन को मैंने आग्रह किया था। उन्हें अध्यापन पेशे से बहुत प्यार था। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को शुभकामना देता हूँ। आज आचार विचार और नवाचार से अलग पहचान बनाने वाले शिक्षक यहाँ सम्मानित होंगे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मैं उनको आशीष बधाई देता हूँ। यह सर्वविदित है कि हमारे जीवन को संवारने में गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। हम अनेक ऐसे विभूतियों से परिचित हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में उनके समर्पण को याद किया जाता है। जैसे चंद्रगुप्त को चाणक्य गुरु के रूप में अगर नहीं मिलते तो कभी भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते। उसी प्रकार विवेकानंद के जीवन में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का विशेष योगदान रहा। कबीर ने अपने गुरु रामानंद के राम नाम का महत्व जाना, जिससे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संपूर्ण जगत में गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरु पारस को आंत्रो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे एक करी लिए महंत। गुरु और पारस में क्या अंतर है ये सब जानते हैं, सब संत जानते हैं। पारस को लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बनाता है। सपनों और जिज्ञासाओं में संपर्क सिर्फ शिक्षक ही पूरा कर सकता है। वे हमेशा अपने छात्र छात्राओं से कहते हैं कि बड़े सपने देखो, बहुत बड़े सपने देखो और उसे पूरा कर अपने करने में तन मन से लग जाओ। इसी तरह पूरे बहुत बड़े काम करने की सोचो और उस काम को चरणबद्ध सुनिश्चित तरीके से पूरा करो। यह सीख की बुनियाद पर हम बच्चों को अपना भविष्य रचने की काबिलियत पैदा करता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षक से तो सब कुछ संभव है। इसी प्रकार द्वापर युग में कृष्ण यदि अर्जुन को नहीं मिले होते तो महाभारत में विजय नहीं पाते। गुरु की भूमिका हमारे जीवन महत्वपूर्ण होती है। गुरु के प्रति आस्था सम्मान विश्वास रखने में सदैव सफलता की प्राप्ति होती है। न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में संघर्ष करना सिखाते हैं। शिक्षक किसी बच्चे के लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ता बनाना सिखाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में गुरुओं के दिव्य अवतार के रूप में इनका स्थान है। गुरु शिष्य संबंध सबसे प्रेम युक्त और आदरणीय है। शिष्य का गुरु के प्रति विश्वास और समर्पण भावना से सफलता और उच्च शिखर तक पहुँचाता है। गुरु सुने का भाव है, गुरु एहसास है, गुरु सुचलता का छाव है और जो अंधकार में है प्रकाश दे मेरे, ऐसे गुरु का स्वभाव है। गुरुजनों का हमारे जीवन विशेष योगदान है। जिंदगी के प्रत्येक पीढ़ी सहयोग कर हमें संबल बढ़ाते हैं, सकारात्मक विचार से उन्मुख कठिन पथ को सुगम बनाते हैं। शिष्य के लिए गुरु का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त करना उनके जीवन में सार्थकता है। क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी युग के कारण कुछ कम हुआ है, लेकिन नई पीढ़ी गुरु शिक्षा ज्ञान से वंचित हो रहा है, परंतु हमें सौभाग्यशाली हैं सच्चे गुरु का ज्ञान और सामिप्य मिल रहा है। इस संवेदना और सममत के जीवन की बगैर भक्ति रहे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किए हैं, चाहे स्वामी आत्मानंद जी माचन का स्कूल हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके भी घोषणा की है कि जो स्कूल जहाँ पर आप लोग पढ़ाते हैं या जहाँ पर काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके जो संसाधन है हम लोग उसको उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई आपके मेहनत आपकी लगन से हो सकती है। कैसे बच्चों को आगे आप शिक्षा दे सकते हैं आज आधुनिक परिवेश में, ये आप जो करके दिखा है चाहे नवाचार के माध्यम से चाहे दूसरे जो देखे हैं उसमें, और इसी की आज सम्मानित किया जा रहा है। तो आप जहाँ भी जिस स्थिति में हैं इस प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, चाहे अच्छे उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें ताकि वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा करके जहाँ भवन की कमी है जहाँ भवन की मरम्मत की आवश्यकता है उसके लिए 500 करोड़ यानी कि घोषणा किया है और इसको शुरू करें ताकि उससे उसका जो स्कूल का जो क्षेत्र का जो वातावरण हो वो अच्छा हो सके ताकि उनको पढ़ने में भी उनका मनमन लग सकता है। तो आज इस अवसर पर मैं पुनः सभी जो प्रसिद्ध करने वाले शिक्षक वृंदों को अपनी ओर से बहुत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।
बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपके पौराणिक कथाओं के लिए उदाहरण से निश्चित तौर पर आज शिक्षकों में एक नए संचार का उद्घार होगा। इसके पश्चात हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ कि वे आशीर्वचन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस, उनको सत सत नमन करते हुए राजभवन में आज स्कूल शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा कार्यक्रम और हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय अनुसुईया उइके जी, हमारे राज्यपाल महोदया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो भी एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आदरणीय साथियों, मंच में उपस्थित आदरणीय हमारे डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय आलोक शुक्ला जी, आदरणीय भारती दासन जी, कलको जी और सभी हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ और उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे पत्रकार साथियों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह सभी साथियों से किया था। वो राष्ट्रपति होते हुए भी अपने आप को शिक्षक कहलाना ज़्यादा बेहतर समझते थे और न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन जी बल्कि आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो भी अपने आप को शिक्षक कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। और आपने देखा होगा किस प्रकार से अपने प्री कार्य जो वहाँ शिलांग में बच्चों को एड्रेस कर रहे थे और अपने प्री कार्य करते करते ही अपने प्राण त्यागे और कार्य का रिष्ट हुआ और प्रभाव सामने। पूर्व राष्ट्रपति हम मुखर्जी साहब भी प्रोफेसर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी प्रोफेसर थे, बहुत सारे ऐसे हमारे सर्वोच्च पदों में विराजने वाले लोग शिक्षकीय कार्य के माध्यम से ही उस ऊंचाई तक पहुँचे। और उसमें मैं अपने राज्यपाल महोदय को भी उसमें शामिल करता हूँ कि वो भी वहाँ से शुरुआत किए, फिर राजनीति में आए, आज हमारे राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ में हम लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज इस प्रकार से शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस में बहुत सारे हम लोगों ने निर्णय लिए जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव ने आप सबको जानकारी दी। सबसे पहली बात कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खासकर कोरोना काल में जो हमारे शिक्षकों ने नवाचार किया, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, बुलटू की बोल की बात हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले गुरुजी, छतरी वाले गुरुजी, अनेक नवाचार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जसपुर के स्कूल की शिक्षक की उन्होंने अपने मन की बात में चर्चा की और उसके साथ साथ नीति आयोग ने अनेक बार यहाँ के नवाचार की प्रशंसा की, इतने ट्वीट किए, इतनी बार उन्होंने कही है। तो वो सब मैं आप सबको सलाम करता हूँ कि आप सब ने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को झोंक करके अपने कार्य शिक्षकीय कार्य को जारी रखा और बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक जगत को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आपको सबको विदित है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की, 52 से शुरू किए, आज 279 स्कूल शुरू हो गए, 422 और शुरू करेंगे। खासकर जो शहरी क्षेत्र में इसका बहुत डिमांड है, लेकिन आदिवासी अंचल में भी कम डिमांड नहीं है, उतना ही डिमांड आपको सुकमा में, तो वही डिमांड आपको सूरजपुर और बलरामपुर और जसपुर के ग्रामीण अंचलों में
डिमांड आप देखेंगे कि यहाँ भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाए और उसकी पूर्ति के लिए लगातार हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और 279 स्कूल कम समय में शुरुआत करे और वो स्तर भी बनाए रखा शिक्षकों के सिलेक्शन से लेकर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस बनाने में जो काम किया है। तो एक बात तो आई कि भाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के सब कुछ कर रहे हैं आप, बचत स्कूल के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले काम तो हम लोगों ने जो नक्सली गतिविधि कारण से जो 260 स्कूल बंद पड़े थे जिसको डायनामाइट से उड़ा दिया गया था, उन स्कूलों को फिर से शुरू करने का काम किया, दुरुस्त अंचलों में किया, अभावों में भी जहाँ छत भी नहीं है बिल्डिंग भी नहीं है वहाँ भी हम लोगों ने स्कूल शुरू किया, बच्चों को नुकसान ना हो, शिक्षा मित्र की भी पदस्थापना की, वहीं के बच्चों को अवसर दिया क्योंकि उस जगह में बाहर से हम स्कूल नहीं दे सकते, टीचर नहीं दे सकते थे, ऐसे में वहाँ के ही बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके माध्यम से पढ़ाई शुरुआत की। आज 260 स्कूल हमने शुरू किया और स्कूल की मरम्मत पिछले 20-25 साल से, आप सब बहुत सारे यहाँ टीचर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में शहर से भी आए हैं छोटे नगरों से भी आए हैं, तो 20-25 साल से संधारण ही नहीं हो रहा है, रंगाई पोताई भी नहीं हो रहा है, बाउंड्री वाले ही नहीं बना, तो उस दिशा में बिल्डिंग तो बन गया लेकिन कहीं छत गिर रहा है, कहीं पानी टपक रहा है, कभी जानवर घुस जाते हैं, वो सारी स्थिति का सामना वहाँ के बच्चे और शिक्षक करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल 500 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया ताकि उन स्कूलों का संधारण भी किया जाए, एक अच्छा वातावरण मिले, बढ़िया से बिल्डिंग बने और उसके रंगाई पोताई भी बढ़िया हो ताकि स्वच्छ वातावरण में हमारे बच्चों को और शिक्षकों को एक वातावरण मिले, ये हमारी कोशिश। उसी के साथ साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें एक दिन का कार्य हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में, लेकिन आदिवासी अंचलों में हमारी बहुत सारी बोलियाँ हैं, सरगुजा में सरगुजिया भी है तो कुड़ूख भी है, बस्तर में जाएंगे तो और बहुत सारे हैं, गोड़ी है, हल्बी है, दोरला है, कितने प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, तो जहाँ जहाँ उस प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है उसके लिए कार्य अब कैसे कार्य करना है उसके लिए भी रूपरेखा उसका खाका खींच लिया गया है, वो सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाएगी और उसमें एक दिन लोकल लैंग्वेज में भी कार्य होगा, ये हम लोगों ने फैसला किया। चौथी क्लास से लेकर कंप्यूटर की शिक्षा भी हम लोगों ने अनिवार्य किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में संस्कृत में भी पढ़ाई की जाएगी, उसमें भी एक क्लास लगेगा और साथ साथ अभी तक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के साथ साथ बालवाड़ी भी, करीब 5,000 स्कूलों में बालवाड़ी की शुरुआत आज हमने की है। और एक और काम हम लोगों ने आज किया है बहुत महत्वपूर्ण, एक उत्कृष्ट विद्यालय जो वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होगा और नवा राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में इसका शिलान्यास किया है, 20 एकड़ में परिसर बनेगा और लगभग 50 करोड़ की लागत से वो बन रहा है, अगले साल तक के वो बनेगा और यदि बन गया तो अगले साल से उसका एडमिशन हम लोग शुरू करेंगे ताकि शिक्षा में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हो चाहे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने, चाहे और यदि उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ना है तो उसकी भी व्यवस्था राज्य शासन की ओर से कराने की हमारी कोशिश। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को और उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन में आप सब आए हैं कि मैं सभी उत्कृष्ट शिक्षकों को बधाई देता हूं जो राज्यपाल महोदय के हाथ से आप सम्मानित होंगे। हर शिक्षक के ये मंशा होती है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के हाथ से सम्मानित हो, वो एक अवसर आपके जीवन में आया है, बहुत दिनों से आप लोगों का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो रही है, तो आप सबको बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए, 2 साल कोरोना काल में एक आयोजन नहीं हो पाया था, इस साल हुआ है तो और खुशी बढ़ जाती है, मैं आप इस अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय जय प्रभु। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदर्शन के लिए हम सदैव अभिलाषी रहेंगे। इसके पश्चात माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें।
राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, स्कूल शिक्षा मंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सम्मानीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, सचिव राजभवन श्री अमृत कुमार खलको जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री एस भारती दासन जी, संचालक और यहाँ पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण और आज जिनका सम्मान इस दरबार हाल में हो रहे हैं वो सभी सम्मानीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस देश के महान चिंतक, विख्यात शिक्षक शिक्षक दर्शन शास्त्री एवं देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन हम सब अपने मार्गदर्शक, प्रेरक और ज्ञानदाता गुरुओं को स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं आज सम्मानित हुए तथा प्रदेश के समस्त शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। निश्चय ही किसी भी देश और समाज में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे ज्ञान की रोशनी से विद्यार्थियों का जीवन आलोकित करते हैं और उसी भाव भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं जिससे देश और समाज के भविष्य का निर्माण होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज यहाँ विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित हो रहे गुरुजन और समस्त शिक्षकगण अपनी इस गरिमा परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ कि आपने भी मेरे शिक्षक होने का जो आपने मुझे बधाई दी और साथ ही हमारे सभी शिक्षकों उनको भी शुभकामना दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की दिशा में किस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही इसकी किसी ने कोई कल्पना और सोचा भी नहीं था। जनरली छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी आर्थिक समस्या को लेकर इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे और उसके कारण भी वो आगे अगर सोचे कि हमें किसी कंपटीशन में भाग लें या NIT MIT आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो कंपटीशन में जाना चाहते थे, लेकिन वो अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होने के कारण वो पीछे रह जाते थे। और ऐसी परिस्थिति में आपने उन तमाम लोगों के लिए जो आत्मलग्न इंग्लिश स्कूल, और जो आपने बताया कि अभी तक प्रदेश में 279 स्कूल प्रारंभ कर दिए गए हैं और लक्ष्य रखा है 422। वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूं मैं, और शायद अन्य किसी प्रदेश में इस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी योजना बनाई होगी। और बहुत सारी ऐसी भी योजना आपने छत्तीसगढ़ में बनाई है जो अन्य प्रदेश के लोग इस
छत्तीसगढ़ प्रदेश की योजनाओं का अमल करने के लिए सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई है। और दूसरी बात, आपने प्राथमिक शाला के लिए छत्तीसगढ़ भाषा और अपनी मातृभाषा और साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी समाज की कम से कम 16 प्रकार की भाषाओं का शिक्षा देने का जो आपने कार्य किया है, मतलब अभियान नीति बनाई है, और साथ ही आपने बहुत सारी चीजें, आपने अभी बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए और ऐसे ही नक्सली क्षेत्र में बंद स्कूलों के शुरू, जो बंद पड़े हुए थे उसकी आपने शुरू करवाया, और एक बहुत बड़ा कार्य जो आपने घोषणा की है आंगनबाड़ी स्कूलों में, आंगनबाड़ी बालवाड़ी और उत्कृष्ट स्कूल के शुरू करने के लिए जो आपने घोषणा की है, इन तमाम उपलब्धियों के लिए मैं इस प्रदेश की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही शिक्षा मंत्री जी का इसमें सहयोग, प्रमुख सचिव जी शुक्ला जी, और उन्हें भी मैं बधाई देती हूं इसको काम आगे बढ़ाने के लिए। आपने जो शिक्षा की दशा और दिशा बदलने के लिए जो मतलब ऑफिशियली तौर पर आपने जो कार्य किया है उसके लिए भी मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। आप सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश के कंधार हैं और उनकी मौलिकता, कल्पनाशीलता देश की अनमोल संपदा है, और उनके जीवन को गढ़ने का महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षकों का है। शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे विद्यार्थी में उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों को रोपित करने के साथ ही उनमें देशभक्ति एवं एकता की भावना बढ़ाएं। हमें उन्हें योग्य, प्रशिक्षित एवं कुशल नागरिक बनाना है। देश के समग्र विकास के लिए सभी वर्ग के विद्यार्थी को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समान अवसर देने की आवश्यकता है। हमें देश की अपेक्षाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित भी करना होगा। इसके साथ ही निरंतर हो रहे परिवर्तनों का समावेश करते हुए उनमें बहुमुखी प्रतिभा विकसित करनी होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि वही शिक्षा सफल हो सकती है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज के हित को समान रूप से प्रमुखता देती है। मेरा समस्त शिक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने विद्यार्थी के मन में भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के समृद्ध तत्वों का संचार करें तथा भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सर्वधर्म संभव, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास बढ़ाएं। वे ऐसे प्रयास करें जिससे बच्चों में न केवल अनुशासन बढ़े बल्कि उन्हें खुद को जानने और समझने में मदद मिले और भावी चुनौतियों का सामना करने में खुद को सक्षम और समर्थ बना सके। हमें समझना होगा कि तो अनुशासन का पाठ पाठशाला में ही बेहतर रूप से सीखा जा सकता है। एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति आत्मीय व्यवहार उन्हें ऐसा ज्ञान और समझ दे सकता है जो उन अनेक किताबों में भी मिलकर उन्हें नहीं सिखा सकती। लेकिन इसके लिए शिक्षकों को अपने कार्यों और दायित्वों में और अधिक रुचि बढ़ाने की जरूरत है। आपके द्वारा बच्चों में भरोसा और आत्मीयता के आधार पर रखी गई नींव, उनमें सद्भाव, सहिष्णुता और ऊंचे आदर्श को समाहित कर सकते हैं जो एक शांतिप्रिय विश्व के लिए अनिवार्य भी है। भारतीय संविधान के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित है किया गया, किंतु अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं। हमारे अपने राज्य में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं है क्योंकि आज दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच साक्षरता की मांग बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि हर पालक अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। सभी को शिक्षा देने का लक्ष्य व्यवहारिक है,
और उसे योजनाबद्ध तरीके से समर्पित प्रयासों से ही हो पाया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी का समान गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल हो। मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ साधन जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार और जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का हक बेहतर तरीके से दिलाया जा सकता है। मानव संसाधन का विकास हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और यह विकास शिक्षा से ही संभव है। मानव संसाधन के विकास से अन्य संसाधन का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसके अभाव में बहुमूल्य संसाधन अनुपयोगी होकर नष्ट हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की महामारी में आम जन जीवन के साथ साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य भी प्रभावित हुआ। अध्यापन के लिए जो वैकल्पिक उपाय अमल में लाए गए उसे विद्यालय की शिक्षा के समान प्रभावी नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया था और बच्चे सामूहिकता के बोध से भी दूर होते गए। कोविड-19 विद्यार्थियों के लिए ऐसी अप्रत्याशित घटना बनी जिसने शिक्षा के साथ साथ कई अन्य रूपों में भी उन्हें प्रभावित किया। कोविड के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण अनेक विद्यार्थियों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा और भी कई विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक क्षति भी हुई जिसे दूर करने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। लंबी अवधि के बाद स्कूल आ रहे हैं, इसलिए शिक्षक उनसे वात्सल्यपूर्ण व्यवहार और उनका मनोबल बढ़ाए। यह समय हाथ छोड़ने का नहीं बल्कि थामने का समय है। इस विशेष अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षक के रूप में आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। विद्यार्थी को प्राथमिक स्तर से ही लेनी शिक्षा दी जाए। प्रारंभिक शिक्षा में ऐसे तत्वों को शामिल करना चाहिए जो लैंगिक समानता जैसे विषयों को सहजता से समझा जा सके ताकि बच्चों की परवरिश लैंगिक भेदभाव की भावना से परे हो। बाल अवस्था में दी गई शिक्षा का बच्चा एवं सार्वजनिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षकों अभिभावकों को साझा प्रयास करते हुए बच्चों के लालन पालन के दौरान ही बेटे बेटियों में विभेद न करने वाले विषयों को संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर लाल किले से आह्वान करते हुए कहा कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर ऐसी विकृत आई है। हमारे बोलचाल में, व्यवहार में तथा कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस आह्वान के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस सदन में उपस्थित लोगों, देश व प्रदेश के शिक्षक बंधुओं और विद्वत जनों से आग्रह करती हूँ कि विद्यार्थियों और युवाओं को महिला पुरुष की समानता तथा उनके सम्मान से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ समझाए। भेदभाव की विकृत मानसिकता को समाज से दूर करने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बदलाव में आपका योगदान अग्रणी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में गुरुओं को पूजने की यशस्वी परंपरा रही है। मैं कामना करती हूँ यह परंपरा और अधिक सशक्त होती जाएगी। मैं एक बार फिर पुरस्कृत हो रहे शिक्षक के साथ साथ शिक्षक के कार्य से जुड़े सभी गुरुजनों तथा अन्य सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं इस खास मौके पर इन दो लाइन से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में जो विश्वास जगा दे, जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे वही शिक्षा। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और प्रमुख सचिव जी और पूरे शिक्षा विभाग को बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही
ये कोरोना के वक्त भी फिर भी आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा रहा है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना काल में बहुत सारे शिक्षक लोगों ने अपनी जान भी गवा दी थी। मैं अभी चर्चा कर रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि जितने भी शिक्षा के जो लोग थे उनके परिवार जनों को उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति भी तत्काल में दे दी है, उसके लिए भी मैं बहुत उन्हें बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी शिक्षकों को मैं नमन करती हूँ आज के दिन, कि आज जो भी कुछ है, मैं मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम हमारे उच्च अधिकारी सब शिक्षा के कारण ही हैं। आज हम भी एक शिक्षा जो हमने प्राप्त की है शुरुआत में, और वही शिक्षा के आधार पर हम अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारी को निभाते सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और इसलिए आज इस मौके पर आप सबको मैं नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद मैडम। आप जैसी विदुषी महिला से प्रेरित होकर के और मंचस्थ हमारे जितने भी अधिकारी बने हैं इनसे प्रेरित होकर इनके सफल मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। और अब बारी है सम्मान समारोह को आयोजित करने की, आगे बढ़ाने की। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार वर्ष 2022 राज्य के स्वनाम धन्य साहित्यकारों की स्मृति में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों का हम इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। और माननीय राज्यपाल महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी तथा माननीय संसदीय सचिव जी से अनुरोध है कि वे चयनित शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल तथा 50,000 रुपये का धनादेश देकर सम्मानित करेंगे। राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार 2022 के तहत डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं श्री नेत्राम नागतोड़े, सहायक शिक्षक, केंद्रीय जेल रायपुर पाठशाला में पदस्थ हैं। 23 वर्षों के लंबे शैक्षणिक अनुभव के साथ आपने जेल में शिक्षा के जरिए अपराध निर्मूलन तथा जेल के निरीक्षक बंधुओं को साक्षर बनाने और उनके विकास के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनके उन्मुखीकरण के दिशा में अनेक प्रयास किए। श्री गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षिका हैं श्रीमती मीरा आरची चौहान, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमाली, जिला कांकेर। रसायन शास्त्र विषय के साथ ही साथ आपके मंच संचालन, विज्ञान मेला, नाटक और एकांकी से जुड़े अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को सदैव मिलता रहता है। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक साथी हैं श्री राकेश टंडन, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उतरदा, विकासखंड पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। विद्यालय में हर क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के साथ कमजोर छात्रों की सहायता में आप सदैव तत्पर रहते हैं। डॉक्टर पदमलाल पुन्नालाल बख्शे स्मृति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक हैं श्री हेमंत कुमार खूंटे, शिक्षक, एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला कसी बहरा, विकासखंड पिथौरा, महासमुंद। आपने 22 वर्षों के लंबे अध्यापन अनुभव के साथ नवाचार, खेल, कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले शिक्षकों को हर वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री नंदी प्रभा वाजपेयी, आप प्रधान पाठक, शासकीय अंग्रेजी माध्यम शाला संजय पारा, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर में पदस्थ हैं। श्री राम प्रसाद नेताम, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर, विकासखंड नरहरपुर, जिला कांकेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री मनोज कुमार बागड़े, प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर, जिला नारायणपुर में पदस्थ हैं। श्रीमती रंजीता नाग, सहायक शिक्षिका एलबी,
शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरी पारा गढ़बेंगाल जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती पूर्णिमा सरोज व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्रीमती माधुरी कुशवाहा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती टी विजय लक्ष्मी व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। हमारे ये सभी शिक्षक साथी सुदूर अंचलों में रहकर भी नवाचार का प्रयोग करते हुए शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। अगले क्रम में श्री राकेश कुमार मिश्रा व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीदम विकासखंड गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्रीमती मधु तिवारी सहायक शिक्षिका एलबी शासकीय प्राथमिक शाला ढाकड़पारा पलारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कृपया करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करें। श्री राजेश पांडे व्याख्याता शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री लंबाड़ी धनंजय व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल रुद्रारम विकासखंड भोपालपट्टनम जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्री मोहनलाल निषाद व्याख्याता एलवी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवापल्ली विकासखंड उसूर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री भूपेश्वर नाथ योगी व्याख्याता एलबी शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री रघुनंदन गंगबोई व्याख्याता एलबी शासकीय हाई स्कूल जमरुआ विकासखंड बालोद जिला बालोद में पदस्थ हैं। अगले क्रम में श्री बसंत कुमार यादव व्याख्याता अंग्रेजी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमरदा जिला राजनांदगांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती इंदिरा चंद्रवंशी शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खपरी सिद्धार्थ विकासखंड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में पदस्थ हैं। श्रीमती प्रज्ञा सिंह शिक्षिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनौदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। कृपया करतल ध्वनि लगातार बजाते रहें और उत्साहवर्धन करते रहें। श्रीमती रश्मि नामदेव शिक्षिका एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रिसाली जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। अगले क्रम में श्री तुलसराम चंद्राकर व्याख्याता एलबी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कामठी विकासखंड पंडरिया जिला कबीरधाम में पदस्थ हैं। श्री मनहरण लाल तुरकेले व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल दनियापुर विकासखंड सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री विकेश कुमार यादव व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल धरदा विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
श्री आनंद कुमार तामकार, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खैर झेटी कला, विकास खंड साजा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में पदस्थ। श्री भोजराज प्रधान, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भैरवपुर, विकास खंड पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री खेमराज साहू, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोमाखान, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री कमल किशोर ताम्रकार, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उसरी जोर, विकास खंड मैनपुर, जिला गरियाबंद में पदस्थ हैं। श्री भावचंद चतुर्वेदी, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला भेंडरी, विकास खंड सिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। डॉक्टर मीना शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसराय, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्री सुनील कुमार नायक, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपुरैना, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्रीमती मंजूषा साहू, व्याख्याता, शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला भूतली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री छगनलाल साहू, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला हसदा क्रमांक 1, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री महेंद्रलाल देवांगन, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला छिद्रा, विकास खंड बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री जानकीलाल कुर्रे, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरदा भाटा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री कुंज किशोर, व्याख्याता, एलबी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगा पहरौत, विकास खंड पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती अर्चना शर्मा, सहायक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला खिसोरा, विकास खंड अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्रीमती स्वाति पांडे, शिक्षिका एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करही, अंग्रेजी माध्यम, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री भरतलाल साहू, सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला जूनापानी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री आशीष रंगारी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला जोरापाली, जिला रायगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती रश्मि वर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधर नगर, जिला रायगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्रीमती ज्योति पांडे, सहायक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक शाला किरारी मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री बलदाऊ सिंह श्याम, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला तिलक डे, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं।
श्री जगदीश आदिले सहायक शिक्षक एलपी शासकीय प्राथमिक शाला पथरा टोला जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री गोपाल दास गुप्ता प्राचार्य मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरेला जिला गौरेला पिंडरा मरवाही छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री नोहर प्रसाद चंद्रा सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला भटगांव जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री वीरभद्र सिंह पैगरा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबी धतुरा विकास खंड पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती प्रतिभा यादव शिक्षिका एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्या शाला भोगरी बासीन तहसील मालखरौदा जिला सकती छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री पुष्पेंद्र कुमार कश्यप सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला सकरेली विकासखंड व जिला सकती छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्री सुभाष चंद्र वर्मा व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल सिटोंगा जशपुर नगर विकासखंड और जिला जशपुर छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्री डमरूधर स्वर्णकार व्याख्याता एलबी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर नगर जिला जशपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री चेत नारायण कश्यप व्याख्याता एलबी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुडेली विकासखंड बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती वीरांगना श्रीवास्तव शिक्षिका एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोंगा पानी विकासखंड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। श्रीमती मीना राजवाड़े सहायक शिक्षिका एलबी शासकीय प्राथमिक शाला बरौधी विकासखंड भैया खान जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। मोहम्मद मिराजुद्दीन खान प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खजूरी विकासखंड प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्रीमती अनीता तिवारी शिक्षिका एलबी शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला ढेलसरा सीतापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। श्रीमती दीपलता देशमुख व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असोला अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। श्री अरविंद कुमार गुप्ता व्याख्याता एलबी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर विकासखंड वाड्रफ नगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। अंतिम कड़ी के रूप में श्री युधन प्रसाद जायसवाल व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बर्ती कला विकासखंड वाड्रफ नगर जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई तथा सम्माननीय अतिथियों का इस मंच के माध्यम से आभार। इसके पश्चात हम संचालक लोक शिक्षण से अनुरोध करते हैं कि वे सम्माननीय अतिथिजन को प्रतीक चिन्ह भेंट कर इस अवसर को यादगार बनाएं।
इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु अतिथिजनों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ शासन। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, सचिव राजभवन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, विभाग के उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, आज उनको सम्मानित किया गया।